हम नहीं, जब जब भी जो ड्रिंक करते हैं तो सारी रचनाएं आपस में हम समय की बचत कर सके। वो एक बार करा के बसता नहीं है। संपत्ति का भेद मिटा दो यारो, अब मैं तो अक्स हूँ न वजूद हूँ, बहुत अच्छा, मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का, जश्न हूँ किसी रूह का, मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का, मुझे आईनों में न देख तू, मुझे खुशबुओं में तलाश कर, शान बचा तुम क्या कहता हूँ, मेरा भारत महान इस वसुधा पर सबसे न्यारा है, उनको प्रणाम जिनको स्वदेश अपने प्राणों से दिया। ये मेरे लिए ट्रू मीडिया परिवार का एक आयोजन है और मेरा मन ये भी है कि इसमें इतने बड़े रचनाकार कवि समुदाय जुड़ रहा है। मैं एक गजल पढ़ता हूँ। जी जी सर, मुझे कहा तो था एक बार एक आयोजन की काल्पनिक योजना बनाई थी हमारे सचान होली जी ने, और उसका थीम ये था कि भारत बदल रहा है, इस पर कुछ होना चाहिए, तो मैंने एक तुरंत गजल बना ली है। तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिला है क्योंकि इन्होंने ही वो गजल लिखवाई। वो अच्छी है या बुरी है, हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है, हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, चोरों के घर से नेता हंस कर निकल रहा है, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, चोरों के घर से नेता हंस कर निकल रहा है, अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चला रहा है, फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चल रहा है। और शेर देखिएगा, कूड़े में बीनते हैं, कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, भाषण की टापियों से बचपन बहल रहा, कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, भाषण की टॉपियों से बचपन बहल रहा है। और एक शेर पर आप सबकी दाद चाहूंगा, बातें उसूल वाली
हरगिज कहीं न करना बातें उसूल वाली, हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज्यादा घटिया उतना सफल रहना। बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज्यादा घटिया उतना सफल रहा है। और शेर देखें, वे आंकड़े बढ़त के दुनिया को है बताते, वे आंकड़े बढ़त के दुनिया को है बताते, लेकिन बजट में घाटा हरदम डबल रहा। वे आंकड़े बजट के, वे आंकड़े बढ़त के दुनिया को है बताते, लेकिन बजट में घाटा हरदम डबल रहा है। एक राघव जी हुए मध्य प्रदेश में, उनका मतलब उल्टा निकल रहा। राघव हो या नारायण, ये शब्द है भजन के। यानी अभी की चोली मैंने ईसन खेल की, क्या बात है, क्या बात, एक सखी खुशी से बोली, कंगन झुमका पायल हार, कंगन झुमका पायल हार, नहीं तुम्हें कोई दरकार, मैं भी की बाहों में चोली मैंने ईसन खेली होली। आप लोग शांत रहे पीछे जरा, सुना ध्यान से, ये फोटो सेशन बात कर लो। रंग डाले मुरे गाल गुलाल, रंग डाले मुरे गाल गुलाल, सर 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 चले पानी की धार में, झूम झूम बावरी होली मैंने पीसन खेली होली। कजरा गजरा बिंदी लाली, अदू जी कजरा गजरा बिंदी लाली, शर्म हया सारी धोड़ाली, कजरा गजरा बिंदी लाली, शर्म हया सारी धोड़ाली, देवर नंदोई संकरी छिछोली मैंने पीसन खेली। क्या बात, क्या बात, आगे पांडे जी भी आगे देखो। और देखिए देखिए कि ऐसा अंतिम छंद है कि मोर पिया, मोर पिया अब गए बोराए, बोराने की बात की थी पहले किसी, मोर पिया अब गए बोराए, सब जन आगे अंग लगाए, खाली कैसी नशे की गोली मैंने पीसन खेली। क्या बात है। तो मैं आपको अपने गजल के कुछ अशआर सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अशआर, क्या खबर थी वो नजर से दिल में खल कर जाएंगे, क्या खबर थी वो नजर से दिल में घर कर जाएंगे, वो हमें देखा करेंगे और हम शर्माएंगे। बहुत शुक्रिया। दिल के दिल में दे दिया शीशाए दिल उनको मगर, दिल के दिल में दे दिया शीशाए दिल उनको मगर, क्या पता था कांच के टुकड़े बिखर कर। इस कदर जुल्फे झटक कर देखना मेरी तरफ, इस कदर जुल्फे झटक कर देखना मेरी तरफ, लग रहा है सैकड़ों तूफान मचल कर आए। मंच को समर्पित मेरी पंक्तियाँ, मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले, मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले, कब मेरे अल्फाज भी ऐसे सबल कर आए। मैं तो मैं हूँ तुम नहीं, कैसे बहर तुमसे मिले, कब मेरे अल्फाज भी ऐसे सवर कर आएंगे। और इस खूबसूरत माहौल को डेडिकेटेड, एक मरमर का बदन है, एक मरमर का बदन है और उस पर चांदनी, एक मरमर का बदन है और उस पर चांदनी, रात पूनम की है उतर। हे भगवान, कैसी घड़ी आई है जिसने मोबाइल और पत्नी ने पत्नी की दूरी मिटाई है और उसमें इतनी समानता बनाई है, ना छोड़े तो मुश्किल और छोड़े तो जग हसाई। बहुत बढ़िया, मालिक साहब,
माइक तो संचालक के हाथ में थमा दिया है, लेकिन इंस्ट्रक्शन हर जगह से आ रही है। तो मैं आपको बताऊं कि छोटी कविता सुनाएं, समय कम है और बहुत सारे लोग हैं, हम सबको सुनेंगे, कोई बिना सुनाई नहीं जाएगा, ये कहा गया है। तो अभी मैं, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली से बाहर से आए हैं, वो जाना चाह रहे हैं और उनकी खास फरमाइश है कि वो नीरज जी को सुनना चाहेंगे, तो मैं बिना किसी लाग लपेट के ये माइक नीरज जी को दिलवाती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि अपना